खमीरी रोटी। खमीरी। अरे बस करो भाई, पीछे पड़ गया। सो गाइस, मेट्रो हमारी आ गई है। वाह। और मैं खड़ी हूँ अभी, मेट्रो स्टेशन का नाम नहीं बताऊंगी, तो हेलो एवरीवन। तो आज हम आए हैं, ये है सलीम रेस्टोरेंट और ये है सिंस 1977 से, और इसके बहुत सारे ब्रांचेस हैं, जैसे कि अमर कॉलोनी, अशोक विहार, नोएडा और भी है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगी। नहीं, ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो लोग नॉनवेज ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि मैं इससे पहले बहुत सारी वेज प्लेसेस की वीडियो बना चुकी हूँ, तो बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करके ये चीज़ बोलते हैं कि एक ऐसी जगह की वीडियो बनाओ जहाँ पर नॉनवेज अच्छा मिलता हो। तो आज हम आए हैं सलीम्स और यहाँ का हम लोग नॉनवेज ट्राई करते हैं कि नॉनवेज यहाँ का कैसा है। और एक चीज़ और है, थोड़ा बहुत हिस्ट्री के बारे में बता देती हूँ इसका। इन्होंने ये शॉप स्टार्ट करी थी जैसे कि तंदूरी और ग्रिल वगैरह के लिए, लेकिन फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा बढ़ते 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 इन्होंने ये इतना बड़ा अपना एम्पायर खड़ा कर लिया। एंड बाकी बातें बाद में करेंगे ना, चलो मिलते हैं अंदर चलते। तो ये जो लोकेशन है ये है कैलाश कॉलोनी सलीम्स, और यहाँ से मार्केट से होते हुए और उधर मेट्रो स्टेशन नियर बाय, मेट्रो स्टेशन भी कैलाश कॉलोनी है। एंड ये हमारी एंट्री। रोस्टेड चिकन कभी भी जाएगा, साबुत जाएगा। सो जैसे कि आप लोगों ने अभी देखा कि यहाँ पर दो तरीके की डाइनिंग है, एक जो कैजुअल जो लाइक आप नॉर्मल कुछ भी खरीद रहे हो और खा रहे हो, और यहाँ पर आपका अपना प्रॉपर डाइनिंग है, आप डिनर लंच के लिए आओ। कितना ब्यूटीफुल एम्बियंस दिख रहा है ना, वाओ। एंड फैमिली के साथ आप यहाँ पर आ सकते हो, बेस्ट जगह है फैमिली के साथ डिनर और लंच के लिए। और ये हर वीडियो में बीच में कुछ जाता पता नहीं क्यों, जिसका वीडियो में नहीं पता अपने वो खाने से। अरे वो सच बताऊं, मेरे बैग में नहीं पता लेकिन मैं तो पूछ ही रहा हूं। जो कि दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू ये सिनेमैटिक रहता है। सो गाइस, हमारे साथ हमारे दो ब्लॉगर फ्रेंड्स आ रहे हैं, दूल्हा मियां, इनकी हाँ पता है, हम ना इसकी भी पार्टी करेंगे, है ना? बैचलर। हाँ बैचलर, बताओ मैं बैचलर पे कहाँ लेके जाऊंगी? बैचलर पे आपकी लड़की आएगी। और ये रहा हमजा, इसको तो आप जानते होंगे, हर व्लॉग में घुस जाता है बिना बताए। मैं उससे पूछा तो हमारी बात है, डिनर के लिए करेंगे, पहले मैं लंच करूंगी, डिनर बाद, वो अलग मजाक उड़ाएंगे। तो आप मेन्यू तो ये रहा हमारा मेन्यू, और अभी हम कुछ कुछ तो देख रहे हैं और ये अपने फोन में कुछ कुछ तो ढूंढ रहे हैं फोटोज की क्या है यहाँ पे। अच्छा अच्छा, चैट चल रही है। और ये रहा हमारा मेन्यू, और प्राइजेस कितने रीजनेबल हैं देख। एंड यहाँ पर भी है, तो अभी हम अपना ऑर्डर कर रहे हैं, ऑर्डर करने के बाद आपको बताते हैं कि हमने क्या क्या ऑर्डर किया है। तंदूरी चिकन। सो गाइस, अभी हमारा है तंदूरी चिकन। लुक्स डैम जूसी एंड द स्मेल इज सो माउथ वाटरिंग। दिस smell of smoke, feeling batao apne ise dekh kar kaisa feel kar rahe ho? You know, after seeing it main isko dekh ke ekdam ho gaya, the fragrance is damn awesome, which actually looks so juicy. Actually it look good. Ah, exactly it is. See, wow. If I'll pick the leg, I don't know, khushbu bhi achhi aa rahi hai, matlab aap log itna feel nahi kar pa rahe hoge, par hum log kar rahe hain. I really wish I can post this fragrance of this dish. काश वो कर पाते। उसके लिए आपको आना पड़ेगा। You have to visit. अगर आपको ये सच में try करना है, वैसे मैं बता रही हूँ कि इसकी खुशबू इतनी प्यारी लग रही है ना, और ये देखने में माशाल्लाह, और खा के भी बताएंगे, लेकिन अगर आपको सच में ट्राई करना है तो आप यहाँ पर जरूर आओ। एंड वाओ डैम, थैंक यू सो मच हमजा। अब हम ट्राई करने जा रहे हैं जो भी हमने ऑर्डर किया था वो सारी चीजें, एंड टेस्ट करके बताती हूँ आपको कि सलीम्स का जो भी नॉन वेज है वो कैसा है खाने में। हमने वेज क्यों नहीं ऑर्डर किया? क्योंकि मैं आया था, आई कैन नॉट ऑर्डर वेज, सॉरी। क्योंकि इनका पेज है नॉन वेज लवर, और अगर हम नॉन वेज लवर के साथ आ रहे हैं, जैसे कि आपने मेरी बस वाली वीडियो में देखा था, ये कितने परेशान थे बेचारे। हाँ, सो हमने आज एज ऑलवेज अपने फोन में बिजी, उसको वेज नॉन वेज से फर्क नहीं पड़ता, जो भी दे दो बेचारा गाय है, मुझे खाने से गाय है बेचारा, गाय है। सो बस हमारा ऑर्डर आ रहा है थोड़ी देर में, भैया हमें सर्व कर रहे हैं, भैया ले आए कबाब्स, ये हमारे कबाब आ चुके हैं, रख दो आप, रख दो, हम विल सर्व सर, थैंक यू।
सो बस अब कबाब की खुशबू से मुझसे रहा नहीं जा रहा है कबाब। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम तो मैं दिखाता हूँ आपको कबाब कैसा है। अरे भैया हट जा। सो मैं तो टंगड़ी काम ला ये की खा रही हूँ मैं। क्या ये है क्या जो खा रही उसका नाम टंगड़ी वट टंगड़ी ये क्या है फजल? दैट्स अफगानी इट्स एन अफगानी टंगड़ी। ओके This one is mutton burra. This one is tandoori chicken. Okay. Okay. So what you are going to have is kakori kebab and afghani tandoori. Okay. Nice. ये लो तुम अपनी प्लेट में डाल लो। मुझे ये रायता बहुत पसंद है। मैं थोड़ा अनियन डालती हूँ अपने प्लेट में। मटन निहारी बटर नान। पहले मैं ट्राई करती हूँ ये हमारा जो कबाब था जो बहुत सॉफ्ट था बट देखने में ये ककोरी कबाब गहरी टेस्ट में अच्छा है। अब क्या करने जा रहे हैं? साथ में हमारी अफगानी चिकन टंगड़ी सो जूस हॉल वाले ये ना सॉफ्ट है। अच्छा एक्चुअली में लाइक हमने बहुत बार खाई कभी कभी ये बहुत टाइट होती है लेकिन ये अच्छे से वेल कुक्ड है और बहुत टेस्टी लग रही है खाने में। इवन मैंने अभी तक जितने भी आइटम के ट्राई करे ना मुझे सारे ऑलमोस्ट सारे अच्छे लगे। ये अनियन ठीक है मैं लॉस्ट टाइम फूड वाला रिएक्शन दूं अपना। अब क्या खाने जा रहे हो? अब मैं ट्राई कर रही हूँ इनकी निहारी। मैं बहुत देर से मेरा दिल आ रहा था कि मैं निहारी ट्राई करूँ। सो गाइस हम तो ट्राई अच्छी है। हाँ मैं तो करूँगा ही इंतजार कर रहा हूँ। सुपर से भी ऊपर। क्या बात क्या बात क्या बात। I don't care. I'm lost interest. इनको भी देख लो ये खाने में इतने बिजी हो चुके हैं ये भूल चुके हैं और भी कोई है। ये क्या है? बटर चिकन चंगेजी। हाँ चंगेजी तो हम चंगेजी ट्राई करते हैं। उल्टा से नहीं खाना गलत कर दिया बेटा। बिस्मिल्लाह भी पढ़ लो। मन में पढ़ लिया। खाने की दो जरा सा लेट हो गया अभी चले गए मुझे नेट भी नहीं चल रहा। बहुत टेस्टी कुछ रह गया मेरा फेवरेट नेट ही चल रहा नीचे से क्या करेंगे। अब हमारी आ चुकी है मेरी खमीरी रोटी। खमीरी रोटी। अरे बस करो पीछे ये रही हमारी खमीरी रोटी। अब मैं दोबारा से टेस्ट कर रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत बढ़िया नहारी से और मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में। पहले मैं सब कुछ खा लूँ उसके बाद आपसे मिलती हूँ। ले ली तूने? ले लिया सर। क्यों क्या कर रहा है? बिरयानी आ चुकी है और ये बहुत अच्छी स्मेल कर रही है। बहुत माशाल्लाह बहुत बढ़िया लग रही है। पहली बार से मुझे सुनो माशाल्लाह में। ये चिकन बिरयानी मटन बिरयानी है? चिकन बिरयानी बहुत अच्छी है बहुत अच्छी है। और निहारी तो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी है। मुझे यूजली हर जगह की पसंद नहीं आती पर जब मैं इन लोगों के साथ आई उस टाइम पर मुझे ये चीज़ नहीं बताती कि ये सच में मकुलशी के पापा का रेस्टोरेंट। एंड अभी हम उनसे मिलने वाले हैं थोड़ी देर में मैं आपको उनसे मिलवाऊंगी। एंड
आप भी मिलकर उन आपको भी मिलकर उनसे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं मुझे मिलने के बाद पर्सनली मुझे अंकल का नेचर बहुत पसंद आया। एंड मिलते हैं सर से, गाइज मुझे बताना आपने हुमा कुरैशी की कौन सी रिसेंट मूवी है, कौन सा रिसेंट सीरियल देखा है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, सब्सक्राइब करके बताना। गाइज एम्बियंस इतना बढ़िया है ना यहाँ का, मतलब बहुत शांत प्लेस है ना, हम लोग कितने आराम से बैठकर यहाँ पर खा रहे हैं, हम तीनों मूवी देख रहे हैं, खाली के नगमा ये जो बोले जा रहे हैं इतना शांत है तुम चल रहे हो। एंड गाइस यहाँ का जो स्टाफ है ना वो भी बहुत पोलाइट है, मतलब लाइक कुछ हो नहीं है कि कोई भी, हमने जो चीज जिस टाइम पर ऑर्डर करी है सब टाइम पर आ रही है। मेरे जो नहारी है ना मुझे बहुत ज्यादा, रात को खाना ना बहुत ज्यादा हेल्दी होता है, अरे मैं जग रहा हूं ना साथ के तो ऑफिस के लिए जा हूं, मैं दो बार तीन बार कोको देखता हूं, मैं आए ही। तो चलिए गाइस आज हम मिलाते हैं आपको यहाँ के ओनर से, तो सर आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम सलीम कुरैशी है। सलीम कुरैशी, एंड जो रेस्टोरेंट का नाम है वो भी सर के नाम पर ही है, बताया गया कि यहाँ पर ये सबसे पहला ब्रांच है। हाँ, सबसे पहला ब्रांच यही है। तो सर इसके अलावा और आपके दिल्ली में कहाँ? और दिल्ली NCR में 6-7 है। अच्छा, नोएडा में है। अच्छा, DLF में है, अशोक विहार में है, और कई जगह है, इंटरनेशनली भी दुबई में है। अच्छा, दुबई में है। दुबई में कहाँ पर है सर? करामा में। करामा में, ओके। और सर इसकी ओपनिंग टाइमिंग क्या है सर यहाँ की? सुबह 11 से 11 बजे तक। टाइमिंग्स भी बहुत अच्छी है, सुबह 11 से लेके 11 तक। और स्पेशली क्योंकि मैंने यहाँ के सारे नॉनवेज आइटम ट्राई करे हैं, तो मुझे सारे नॉनवेज आइटम बहुत ज़्यादा अच्छे लगे हैं। तो गाइज एक बार आके आप इस जगह को ज़रूर विजिट करें, पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई और सर से मिलके मतलब मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। सो मैं आपको बाकी का रिव्यू थोड़ी देर में देती हूँ, तब तक लिए सर थैंक यू सर मच। ट्राई कर रहे हैं गुलाब जामुन, बहुत गर्म है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही गाइज, मिलेंगे अगली वीडियो में, एंड तब तक के लिए बाय। एंड वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।